खंडहर बन चुके इस आलिशान होटल की शोहरत कभी दूर दूर तक फैली थी। सन्नाटे की जगह यहाँ रौनकों का मेला लगता था और ये वीरान गलियारे लोगों की चहल पहल से गुलजार रहते थे। 19वीं सदी के आखिर में बना होटल मेट्रोपोल कभी नैनीताल की शान था। आज से ठीक 100 साल पहले इस खूबसूरत हिल स्टेशन को कायदे आजम और उनकी नई दुल्हन रतनबाई ने हनीमून के लिए चुना और मेट्रोपोल ने उनके इस्तकबाल में दरवाजे खोले। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिन्ना यहाँ हनीमून के लिए आए थे। नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। लेकिन बाद में एक जिन्ना की बायोग्राफी आई स्टेनले वॉलपर्ट की, और उसमें दो लाइन में ये मेंशन था कि आफ्टर हिज मैरिज टू रति बाई ही हैड कम हियर फॉर हनीमून एंड ही वाज द गेस्ट ऑफ राजा साहब महमूदाबाद। शहर की सबसे मशहूर और 100 साल पुरानी किताबों की दुकान नारायण्स के मालिक प्रदीप तिवारी जैसे बहुत कम लोग हैं जो मेट्रोपोल में जिन्ना साहब के स्टे के बारे में जानते हैं। एक पार्किंग लॉट और डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुके इस होटल को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि तकरीबन दो दहाई पहले तक भी इसकी शान बरकरार थी। ये लकड़ी का बना हुआ था, आगे लॉन भी अच्छा है, टेनिस कोर्ट है, लोग टेनिस भी खेला करते थे, तो ये अच्छा होटलों में गिना जाता था। बड़ा भव्य होटल था, ये बहुत अच्छा लगता है इस होटल में जाके, जैसे एक कुछ ऐतिहासिक इमारत जैसी जो एहसास होता है उस तरीके का ये होटल लगता था। मेट्रोपोल की बदहाली की वजह भारत पाकिस्तान के तल्ख ताल्लुकात हैं। मेट्रोपोल राजा साहब महमूदाबाद सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान की मिल्कियत था जो जिन्ना के बेहद करीबी थे। अगले राजा आमिर अहमद खान ने तकसीम हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर ली, लेकिन उनका खानदान भारत में ही मुकीम रहा। 1965 की जंग के वक्त मेट्रोपोल एनिमी प्रॉपर्टी डेजिग्नेट होकर भारतीय हुकूमत की निगरानी में चला गया। 2005 में राजा के वारिस ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतकर इसे वापस हासिल कर लिया और होटल के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। 2010 में यूपीए हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फिर इसे अपनी निगरानी में ले लिया। 2017 में मौजूदा हुकूमत ने 1968 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में तब्दीली करके मेट्रोपोल पर सरकारी कब्जे की मोहर लगा दी। राजा के वारिस फिर अदालत पहुंचे हैं, लेकिन मेट्रोपोल की खस्ता हाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेट्रोपोल होटल के पूरी तरह नेस्तनाबूद होने के बाद इस शहर के साथ जुड़ी कायदे आजम की कुछ बेहद खूबसूरत यादें तारीख के पन्नों तक ही सिमट कर रह जाएंगी। ये नुकसान सिर्फ भारत या पाकिस्तान का नहीं है बल्कि दोनों मुल्कों की साझा विरासत का भी है। ऋतु जोशी, उर्दू VOA, नैनीताल।